हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी स्पाइसी डिश, हरे मटर के हरे भरे कबाब, यानी ताजे ताजे और वेज कबाब भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयली पसंद है और इस मकर संक्रांति कुछ ऑयली बनाने वाले हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ नया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। तो चलिए इसको बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मटर के बनाने वाले हैं, यानी सबसे पहले तो हम मटर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम तक मटर लिए हैं, ताजे ताजे मटर हैं, और इनको उबाल लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करके और बस इसको उबलने के लिए रख देते हैं, जिससे कि जो मटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जल्दी पीस भी जाएंगे, क्योंकि अभी हम इनको पीसेंगे। तो आप यहाँ पालक भी ऐड कर सकते हैं, या अगर कभी हरे चना मिल जाए तो उनको भी ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ हमारे मटर बॉईल हो गए हैं और अब इनको निकाल लेते हैं और इनको हम ठंडा करके पीस लेंगे। अब आगे की प्रोसेस के लिए एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच यहाँ तेल डाल के गर्म करने के लिए रख देते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल ही ऐड किया है। यहाँ फाइन चॉप किया हुआ, मतलब कद्दूकस किया हुआ, मैंने यहाँ लहसुन लिया है, साथ ही कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड किया है और हरी मिर्च ऐड की है फाइन चॉप की हुई। यहीं मैंने ये एक कटोरी तक कद्दूकस की हुई फूलगोभी ऐड कर दी है और यहाँ आधी कटोरी तक यहाँ मैंने कद्दूकस किया हुआ गाजर ऐड किया है, साथ ही आधी कटोरी बारीक कटी हुई बीन्स ऐड कर देंगे और मैंने यहाँ थोड़ी सी हरी प्याज भी ऐड की है बारीक कटी हुई, जिसे हम सागा भी बोलते हैं। बस ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेते हैं, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना। बस इसको हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें और सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है ब्रेड क्रम्स, यानी ब्रेड को हल्का सा रोस्ट करके और बिल्कुल महीन पाउडर बना लीजिए, होममेड बना हुआ है ये भी। यहीं लगभग 2 चम्मच तक रोस्टेड बेसन ऐड कर देते हैं, मतलब बेसन को भी हल्का सा भून के ऐड करना है। यहीं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और यहीं जीरा पाउडर ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं और यहीं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर देते हैं, अच्छा टेस्ट आ जाता है। साथ ही चाट मसाला ज़रूर ऐड करिएगा, अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बस ये हरी मटर का पेस्ट ऐड कर देना है। अगर आपको इसको थोड़ा सा और हरा भरा कबाब बनाना है तो आप यहाँ पालक ऐड कर सकते हैं या ग्रीन कलर का कलर ऐड कर दीजिए और यहीं स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और बस इसको लगभग 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भून लेना है। इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाना है और इसको थोड़ी सी भून लेना है। ये देखिए, ये भून गया है। तो अब यहाँ गैस को ऑफ करते हैं और इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं, हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। अभी मतलब पूरी चीज़ें अभी मैंने नहीं ऐड की हैं, कुछ चीज़ें अभी और ऐड करेंगे जो कि हम अलग से ऐड करेंगे। तो चेक कर लीजिए, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब यहीं हम बॉयल की हुई आलू को कद्दूकस कर देंगे। तो मैंने यहाँ एक बड़े साइज की आलू को कद्दूकस किया है। जैसे ये कद्दूकस हो जाएगा तो यहीं हम चीज़ ऐड कर देंगे, चीज़ को भी कद्दूकस करना है। आप यहाँ चीज़ ऐड करिए या पनीर ऐड कर दीजिए, दोनों में से एक चीज़ ही ऐड करिएगा। फाइन चॉप की हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगा के बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये हमारे हरे भरे कबाब का डो बन के रेडी हो गया है। अगर हाथ में चिपक रहा हो तो थोड़ा सा तेल लगाते जाइएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम रेस्ट के लिए रखते हैं और हाथ को अच्छे से साफ कर लीजिए। और अब यही 2 मिनट बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर से लगाने के लिए एक काजू लिया है, मतलब एक काजू को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और यहीं हाथ में थोड़ा सा ऑयल अच्छे से लगा लीजिए। ऑयल लगाने के बाद मैंने इस तरह से ये चम्मच लिया है, यानी एक साइज की सारी टिक्की बन जाएंगी इससे। और अब इस चम्मच से डो निकाल के और हाथ में इस तरह से लेके इसकी गोलियां बनाना है और गोली बनाने के बाद इसको हाथ से प्रेस करके इसको चपटा देना है, यानी टिक्की का शेप दे देना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इस चम्मच का यूज किया है, जिससे कि सारी टिक्की जो है वो एक साइज की बन जाएंगी और इनको फिर बनाना भी आसान हो जाता है, हाथ में चिपकता भी नहीं है। तो ये देखिए, ये हमारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं और ये देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं। और यही जब सिक जाएंगी, मतलब फ्राई हो जाएंगी, तब तो इनका टेस्ट मतलब मज़ेदार हो ही जाएगा। तो ये टिक्की मैंने बना के रेडी कर ली है और अब एक पैन लेते हैं और यहीं अब इसको सेलो फ्राई कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ही तेल ऐड किया है। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना, तभी मतलब हाई फ्लेम में तेल को गर्म कर लेना है, फिर गैस के फ्लेम को लो कर देना है। यहीं अब ये कबाब को रख के और बस इनको सेकने देना है। जैसे एक साइड से इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो पलट के दूसरे साइड से सेक लेना है। मतलब कि बीच बीच में दोनों साइड से इसको पलट के सेकना है। ये नहीं कि मतलब एक साइड अच्छे से पक जाए तब आप दूसरे साइड इसको सेको। तो ये देखिए जैसे इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारी ये कबाब सेक गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और परफेक्ट कबाब बन के रेडी हुए हैं। जैसे कि होटल वगैरह के होते हैं ना, पूरे सीक्रेट्स उन्हीं के हैं और वही तरीका है। वो लोग ज़्यादा हरा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ हरी सब्जियां और ऐड कर देते हैं, जैसे कि पालक हो गया, पालक को बॉईल करके ऐड कर देते हैं। तो अब ये हरे भरे कबाब को हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन त्योहारों में ये जो डिश है ये 4 चांद लगा देंगी। तो इनको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ईजिली बन जाते हैं। और अगर आप चाहो तो जैसे अगर आप लोग ने सुना हो कबाब पराठा, तो पराठा बना के और उसके बीच में इसको रख के सर्व कर सके। ऐसा लगा आज का वीडियो फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।